नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। स्पेशल स्टेन के सीरीज में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रोडानिन स्टेनिंग के बारे में। ठीक है, रोडानिन स्टेनिंग क्यों परफॉर्म करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका पर्पज जानेंगे दोस्तों, कंट्रोल जानेंगे, ठीक है, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। स्टेन को कैसे परफॉर्म करते हैं उसका स्टेनिंग प्रोसीजर जानेंगे दोस्तों। लास्ट में हम लोग रिजल्ट के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रोडानिन स्टेन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टेप, पर्पज क्या होता है, रोडानिन स्टेन को क्यों करते हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य और पर्पज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। दिस स्टेन आर यूज्ड टू हाईलाइट द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल कॉपर डिपॉजिट इन फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक आर टिश्यू, जो कंट्रोल यूज करेंगे दोस्तों इसके लिए वो होगा हमारा लीवर टिश्यू। ओके, जो उद्देश्य है दोस्तों हम लोगों का वो क्या है, बॉडी में या टिश्यू में कितना कॉपर एबनॉर्मल कॉपर डिपॉजिट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग रोडानिन स्टेन को परफॉर्म करते हैं। जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों वो फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक या टिश्यू रिक्वायर्ड होगा, और कंट्रोल यूज करेंगे हम लोग लीवर टिश्यू यूज करेंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों रिएजेंट एंड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, ओके, और क्या क्या रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है। रोडानिन स्टेन परफॉर्म करने के लिए रिएजेंट एंड सॉल्यूशन क्या क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो रोडानिन सॉल्यूशन हम लोग पहले प्रिपेयर करेंगे स्टॉक रोडानिन सॉल्यूशन 0.2%, ठीक है, 0.2% स्टॉक रोडानिन सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे दोस्तों सबसे पहले। तो स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो होगा डाई मिथाइल अमीनो बेंजिलिडिन 0. बेंजिलिडिन रोडानिन 0.2 ग्राम, उसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे अब्सोल्यूट एल्कोहल 100 ml। ओके, एब्सोल्यूट 100 ml एल्कोहल में 0.2 ग्राम डाई मिथाइल अमीनो बेंजिलिडिन रोडानिन पाउडर को डिजॉल्व करने से हमारा 0.2% 100 ml, ठीक है,
स्टॉप क्लोरीन सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों। अभी हम इसको स्टेनिंग में वर्किंग सॉल्यूशन यूज करेंगे। स्टॉप क्लोरीन सॉल्यूशन 0.2% से वर्किंग रोडानिन सॉल्यूशन 50 ml प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, स्टॉप सॉल्यूशन स्टॉप रोडानिन सॉल्यूशन 10 ml लेंगे दोस्तों, उसको डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन 40 ml डिस्टिल वाटर में 10 ml रोडानिन स्टॉक सॉल्यूशन को डिजॉल्व करेंगे तो हमारा 50 ml रोडानिन वर्किंग सॉल्यूशन तैयार होगा दोस्तों, जिसको हम लोग स्टेनिंग में यूज करेंगे। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये हमारा हो गया पहला रिएजेंट, ठीक है। फिर दूसरा रिएजेंट जो होगा रोडानिन सॉल्यूशन के लिए हमारा होगा हिमेटोक्सिलिन, ठीक है, जिसको हम एज अ काउंटर स्टेन यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। हिमेटोक्सिलिन हम जो लैब में अपने यूज कर रहे हैं, हैरिस गिल्स या फिर मेयर्स, कोई भी हिमेटोक्सिलिन ले सकते दोस्तों। यहाँ पे हम लोग हैरिस हिमेटोक्सिलिन को जानेंगे। तो हैरिस हिमेटोक्सिलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एच एंड ई स्टेनिंग का वीडियो बनाया हुआ दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिमेटोक्सिलिन का प्रिपरेशन नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एच एंड ई स्टेन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से हिमेटोक्सिलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं देख लीजिएगा। अभी हम जानेंगे इसके बाद स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है, स्टेनिंग को परफॉर्म कैसे करते हैं दोस्तों, उसका प्रोसीजर जानेंगे। जो पहला स्टेप होगा हम लोगों का होगा आफ्टर डी पैराफिनाइजेशन, ठीक है। स्लाइड को जिस पे हमारा टिश्यू है उसको डी पैराफिनाइज करने के बाद स्टेन इन रोडानिन वर्किंग सॉल्यूशन, ठीक है। एट 64 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर, ठीक है। ठीक है, दूसरा स्टेप जो होगा दोस्तों वो होगा क्या हम लोगों का स्टेन इन रोडानिन वर्किंग सॉल्यूशन, ठीक है, एट 64 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर, ठीक है। 64 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में या माइक्रोवेव में हम लोग एक घंटे के लिए स्लाइड को रोडानिन वर्किंग सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट्स छोटा सा है दोस्तों, जो हमारा स्लाइड होगा वो किसमें रखा होगा, प्लास्टिक कपलिंग जार में, जो
50 ml वर्किंग रोडानियम सॉल्यूशन से फील्ड होगा दोस्तों, भरा हुआ होगा। अगर हमारा कॉपलिन जार लगभग फुल फिल होना चाहिए, ठीक है, उस कॉपलिन जार में हम स्लाइड को रख करके एक घंटे के लिए 64 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ओवन में रखेंगे। ओके, ओवन में रखने के बाद दोस्तों आफ्टर वन आवर वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। देन डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों काउंटर स्टैंड करेंगे, यहाँ पे लाइट काउंटर स्टैंड यूज करेंगे दोस्तों, लाइट काउंटर स्टैंड इन हेमेटोक्सिलिन, फिफ्टीन टू 20 सेकेंड उसको हम लोग लाइट मतलब कम समय के लिए हम लोग हेमेटोक्सिलिन देंगे उसको एज अ काउंटर स्टैंड, जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा 15 टू 20 सेकेंड। ओके, काउंटर स्टैंड के बाद दोस्तों इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इन 1% एसिड एल्कोहल 1 day, ठीक है। एक्सेस हेमेटोक्सिलिन को हटाने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे 1% एसिड एल्कोहल में, एक डिप मतलब 2 या 3 सेकेंड के लिए। देन काउंटर स्टैंड के बाद दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, वॉश इन रनिंग टैप वाटर, वन मिनट, ठीक है। उसको रनिंग टैप वाटर से 1 मिनट तक वॉश करेंगे, ठीक है। अगर हमारा हेमेटोक्सिलिन स्टैंड एक्सेस है या फिर वो थोड़ा सा हेमेटोक्सिलिन ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वन परसेंट एसिड अल्कोहल 1 day, ठीक है। सातवां स्टेप होगा फिर से हम लोगों का रनिंग, वॉश विथ रनिंग टैप वाटर, वन मिनट, ठीक है। उसके बाद ब्लोइंग 1% अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है, 20 सेकेंड्स, फिर से उसको वॉश करेंगे दोस्तों, रनिंग टैप वाटर से। देन क्विकली डिहाइड्रेट एटी परसेंट 90% 100% एल्कोहल, टेन सेकेंड इच, क्लियर इन जाइलिन 3 changes
सेकेंड इच, ठीक है। ट्वेल्थ नंबर आ जाएगा दोस्तों हमारा एयर ड्राई एंड माउंट विथ डीपीएक्स, ठीक है। हेमेटोक्सिन को रनिंग टैप वाटर से एक मिनट तक वॉश करने के बाद दोस्तों हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1% एसिटाइल कोल से एक डिप, देन फिर से हम उसको रनिंग टैप वाटर में एक मिनट तक वॉश करेंगे। उसके बाद ब्लूइंग के लिए हम लोग 1% अमोनिया सॉल्यूशन 20 सेकेंड तक यूज करेंगे, ठीक है। अमोनिया सॉल्यूशन को फिर हम लोग रनिंग टैप वाटर से वॉश करेंगे एक मिनट तक। वॉश करने के बाद हम उसको क्विकली डिहाइड्रेट करेंगे, क्विकली डिहाइड्रेट 80%, 90% और 100% अल्कोहल से करेंगे। क्विकली मतलब यहाँ पे हम एक या दो मिनट नहीं यूज करेंगे, क्विक मतलब जल्दी। तो 10 सेकेंड 80% अल्कोहल में, 10 सेकेंड 90% से, 10% 100% अल्कोहल से हम उसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट करने के बाद फिर हम क्विकली क्लियर भी करेंगे। क्लियर करने के लिए हम लोगों को 3 चम्मच जैलिन चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जैलिन में 10 सेकेंड, सेकेंड में 10 सेकेंड और थर्ड में 10 सेकेंड। क्लियर करने के बाद दोस्तों स्लाइड को हम क्या करेंगे, एयर ड्राई करेंगे और डीपीएक्स के साथ माउंट करेंगे, ओके। तो यह था हम लोगों का स्टेनिंग का प्रोसीजर, ठीक है। अभी हम जानेंगे रिजल्ट के बारे में। स्टेनिंग के बाद दोस्तों हम लोग स्लाइड का अंडर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, रिजल्ट जानने के लिए। तो जो हमारा कॉपर डिपॉजिट होगा दोस्तों वो होगा ब्रिक रेड कलर का। जो न्यूक्लियाई होगा दोस्तों वो होगा ब्लू कलर में, और जो बाइल होगा वो होगा ग्रीन कलर में, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रोडानिन स्टेन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।